मैडम डाली जिसमें आपने 30 जून का था हमारा जो दिवस के दिन, तो डेट हम यहाँ लिख दें 15 तारीख पे 15 जून। अब ये बात कब लागू हो रही है कि अपनी संस्था एक बहुत फेमस प्रसिद्ध संस्था है मान के चलो, और फेमस है इसका विद्यार्थियों को इंतजार है कि इसका कोचिंग खुलने का, भाई कोचिंग कब खुल रही है, तो वो क्या करते हैं रोज आते हुए देखे जाते हैं भाई कोशिश रहो कि आप मिल जाएगी। पर आपने पढ़ा पता लग गया आपने वो साथी जो है जो आपको भूल रहे थे वगैरह आपको बता रहा जिनको आपने कह दिया भाई सुन रहे इस तारीख क्या है ओपनिंग सेरेमनी है कोचिंग, या फिर अखबार दे दिया ठीक है आगे डेट। अब क्या लिख रहे हैं नोटिस सब ठीक है, तो नोटिस सब कहाँ लिखूँ मैं मध्यम हो गया। अब नोटिस सब लिख दिया, अब इसके बाद मुझे बताओ कि हम जो लिख रहे हैं वो किस बारे में लिख रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी, मतलब ओपनिंग सब का ओ कैपिटल ओपनिंग और सेरेमनी का सी कैपिटल हो गया। हम चाहते थे कि क्या सभी अक्षर भी कैपिटल कर सकते थे, अन्यथा हमने क्या किया ओनली फर्स्ट फर्स्ट कैपिटल क्या किया हमने इसकी कैपिटल कर दी हो गया। अब मुझे बताओ ये सूचना आपको किसको देनी है भाई विद्यार्थियों को, तो अभी मैं आपको पहले कहता हूँ कि जैसे ही हमारे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट समझ गए इंस्टॉलमेंट का बताओ हिंदी में क्या पहली किस्तें यानी पहले दाम पानी कम से कम हाफ पीस आ जाएगी, उसके बाद में आप क्या सिखाया जाएगा सबसे पहले इंग्लिश लिखना और पढ़ना, और जब तक इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं आ जाता है जब तक मुझे आती है मैं लिख रहा हूँ और मैं ही पढ़ करके आपको बता रहा हूँ। जैसा अक्सर आपके विद्यालय में पढ़ाया जाता है या आपके अन्य जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पढ़ाया जाता है, सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट की अलग जो पहचान है वो सिर्फ यही है कि आप क्या सिखाया जाएगा लिखना और पढ़ना, ये दोनों चीज़ सिखाना ही संस्था का पहले सबसे पहला उद्देश्य है। यानी जो सेंटेंस मैं बना रहा हूँ आपको यहाँ पर खुद ही ये सेंटेंस आपको स्वयं को बनाना आना चाहिए, जैसे मान लो मैंने लिखा अभी ऑल द स्टूडेंट्स आर इनफॉर्म्ड दैट आवर दैट आवर आवर इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आर इनफॉर्म्ड दैट आवर इंस्टीट्यूट फॉर 10th सॉरी फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स फॉर 10th एंड 12th क्लास ओपन का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट इज गोइंग टू ओपन ऑन कब 21 जून 2019 कार्यक्रम का टाइम भी फिक्स होगा आपका, तो एट शाम को क्या यहाँ पर और टू फोर यहाँ एट फोर यहाँ शुरुआत है क्योंकि हमें शुरुआत बतानी है एंड हमारे हाथ में नहीं है ठीक है। एट फोर क्या पीएम एंड ऑनवर्ड एंड ऑन वार्ड सब क्या होता है आगे जारी रहेगी, यानी 4 बजे के बाद में आगे जारी रहने जाएगी, तो आगे उसका एक आधे घंटे पूरा हो जाए
हो सकता है कि 6 बज जाए, हो सकता है 7 बज जाए, पर जितना भी टाइम हो सकता है यहाँ पर। तो देखो ऑल द स्टूडेंट्स आर इनपुट, ऑल यानी सभी, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, आर यानी है, इनपुट यानी सूचित किए जाते हैं, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। फ्रेंड का क्या होगा? जी, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवर इंस्टीट्यूट, हमारा संस्था यानी हमारी संस्था, फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स फॉर 10th एंड 12th क्लासेस, यानी हमारी जो संस्था है अंग्रेजी और मैथ के लिए 10वीं से 12वीं की, यानी है। अब यहाँ ये जो सब बोलो मैंने क्लासेस के अनुसार लगाया या फिर हमारी संस्था के अनुसार, उनकी संस्था एक है, इसलिए हमने क्या लगाया, यानी है गोइंग टू, जा रही है, ओपन यानी खुलने जा रही है, कौन, कब, 21 जून 2019, हमारी संस्था 2019 को क्या हो जा रही है, अंग्रेजी व मैथ के लिए 10वीं 12वीं कक्षाओं के लिए क्या हो रही है, शुरू होने जा रही है। कितने बजे? 4 PM एंड ऑनवर्ड्स, एंड ऑनवर्ड्स का क्या, तो आप यानी 4 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इसके आगे भी जा रही है। Opening ceremony. अब ये सब विशेष आपके लिए, आपने जो क्या कर दिया, कोमा से विशेष बना दिया, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी, अब ऑन 20 जून 2019 एट बजे 4 PM, चलो ऑनवर्ड छोड़ देता हूँ, एट 4 PM। सभी को मालूम है फिर 4 बजे शुरू होगा तो ये थोड़ी जाते खत्म हो जाएगा, ये थोड़ी जाते लटर के आना है, अपने को बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, कुछ अपने विचार हो सकता है, अपने को मौका मिल जाए, ये बात हो गई। इसके अलावा आप यदि कोई विशेष सूचना देना चाहते हैं, किस प्रकार की सूचना, कि जैसे कि इस कार्यक्रम के ये मुख्य अतिथि होंगे, तो ओपनिंग सेरेमनी पर ये व्यक्ति क्या होंगे यहाँ पर उपस्थित होंगे, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये इन बात हो गई, अगर हम नहीं देना चाहते हैं तो इतना भी पर्याप्त हो गया हमारा, क्योंकि मूल उद्देश्य तो ये था। अब जो आएंगे नहीं आएंगे वो सब यहाँ पता लगेगा अपने आप ही, क्योंकि जैसे कि हमने जब कार्यक्रम का आयोजन करने का सोचा था ना, उस समय हमारे विचारों में यहाँ से बेस्ट थे वो कुछ और थे, कोई और ही थे, पर वो उनमें से कोई एक भी यहाँ उपस्थित थे नहीं हो पाया, नहीं हो पाया इसका मतलब यहाँ नाम देने का मतलब खास उसको फायदा नहीं निकला। अब यहाँ नाम दे देते वो नहीं आते तो फिर थोड़ी बात क्या होती है, फिर करिए समझे ना, यहाँ तक बात नहीं मेरी। इसमें सिर्फ आपने क्या क्या लिखा है दोबारा देखना, ऑल द स्टूडेंट्स और यानी सभी, स्टूडेंट यानी आर यानी इनपुट यानी सूचित किए जाते हैं। अब ध्यान रखना यहाँ तक का जो वाक्य है वो किसे बना हुआ है, टेंस में नहीं बना हुआ, किसे बना हुआ है, ये वॉइस में, आपने पैसे पढ़े होंगे 10th क्लास में तो उनमें ये बना हुआ, ठीक है ना। और द स्टूडेंट्स आर इनफॉर्म्ड, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है दैट कि आवर इंस्टीट्यूट, हमारा या आप अपना संस्था या अपनी संस्था, फॉर इंग्लिश एंड मैथ, किसके लिए, अंग्रेजी व अंग्रेजी व गणित, फॉर 10th एंड 12th क्लासेस एंड 10वीं 12वीं की मैथ और क्या गणित की कक्षाएं क्या होने जा रही है, इज गोइंग टू सेलिब्रेट, इज गोइंग टू सेलिब्रेट ओपनिंग सेरेमनी, यानी है गोइंग टू यानी जा रही है, सेरेमनी यानी मनाना, मनाने के लिए क्या, ओपनिंग सेरेमनी कब, 21 जून 2019 एट 4 PM। यहाँ पे बात होगी,
अब अभी तक हमारे पास में विद्यार्थियों का कोई खास संपर्क नहीं है, इसका मतलब हम विद्यार्थियों से यहाँ कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करवा सकते। पैसे अब तो मान लगे, अब आगे अपन कोई प्रोग्राम करें, मान लो गांधी जयंती मनाया, तो मैं यह आग्रह सकता हूँ वे सभी विद्यार्थी जो किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्यक्ति से क्या करें, दिनांक इतने से पहले क्या करें, अपने नाम दे दें। भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा, पर अभी क्या बोलो मुझे लिखने की आवश्यकता है क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट का पता ही नहीं है मुझे, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई जो विद्यार्थी क्या करना चाहें, प्रोग्राम देना चाहें। हो सकता है कि जो विद्यार्थी वहाँ पहले दिन आए उनको सिर्फ इतना पता हो कि पहले दिन जब क्या होते हैं ओपनिंग सेरेमनी होती है तो बढ़िया अच्छे क्या होते हैं, नाश्ते मिलते हैं और अच्छा क्या सुनने को गाना ये सब मिलता है, तो कई ऐसे भी आएंगे ठंडा नहीं होंगे यहाँ पर, उनको सिर्फ उस कार्यक्रम का मजा लेना है। जिस प्रकार की याद दिलाता हूँ आपको, सेवा कॉलेज है हर साल 14 फरवरी को वहाँ क्या होता है विद्यालय अपने कॉलेज का उनकी कॉलेज का होता है एनुअल फंक्शन होता है, तो सभी वहाँ, अब ये थोड़ी कि वहाँ जो पढ़ते हैं वो ही जाते हैं वहाँ, आप हम जैसे भी क्या करते हैं एंजॉय करने के लिए तो सब देखे जाते हैं, तो ऐसे भी स्टूडेंट यहाँ पर उपस्थित हैं। अब ये सूचना किसने जारी की है, तो जारी करने वाले का नाम जैसे मान लो मैंने लिख दिया भाई संस्था अपनी, तो जारी कौन करेगा सूचना भी अपनी करेंगे। अब मैं इस संस्था का कौन हूँ, तो टीचर मतलब डायरेक्टर हूँ यहाँ का, डायरेक्टर मेरे क्या हुआ यहाँ का पद, ठीक है, तो ये सूचना किसके द्वारा जारी की गई, मेरे द्वारा जारी ओपनिंग सेरेमनी की बात यहाँ सुन गई। अब मुझे बताओ अगर मैं यही कार्यक्रम आपके एनुअल फंक्शन के लिए लिख रहा होता तो इसमें और क्या चेंजिंग करते हो? सबसे पहली बात तो जहाँ तक का तो सेम होता, फिर हम क्या कहते जान गए वाले वो जो विद्यार्थी जांच लिखेंगे फिर ये वाले भाग ही लिखेंगे, वो जो विद्यार्थी किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं वो क्या करें, इस व्यक्ति से यानी इनको डेडलाइन होती है लिखी होती है, इस व्यक्ति से दिनांक इतनी तक क्या कर लें संपर्क कर लें या अपने नाम दे दें, ये बात होगी। तो ये तो अपना बिना किसी क्वेश्चन का हुआ और आगे हम कहेंगे हमारे क्वेश्चन से यहाँ तक समझ आया सबको, किसी के मन में कुछ बात हो तो बता देना। Thank you.